इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। कर्नाटक के आयवान में जो हंगामा बरपा हुआ है, महज गो हत्या यानी कि गोकशी कानून को लेकर जिस तरह से एक तमाशा किया गया और जिस तरह से एक हंगामा बरपा किया गया, वाकई शर्मनाक कहा जा सकता है। आयवान में हंगामे की खबर हमने इससे पहले भी बिहार, यूपी या झारखंड में बारह देखी होगी। कुर्सियां फेंकना, माइक को इधर उधर से फेंकना, शोर गुल आवाज, नारेबाजी, पर अब रियासत कर्नाटक में भी यह मंजर देखना नसीब हुआ। पूरी रियासत में यही मौजूद जेर बहस रहा है, जिन्हें अवाम जिम्मेदारों को मुंतखब करके ऐवानों में अवाम के मसाइल हल करने के लिए भेजती है, पर ऐवानों में गली कूचे के गुंडों की तरह कैसे लड़ते हैं, इसकी मिसाल भी रियासत कर्नाटक में देखी गई, जिस पर रियासत की अवाम शर्मसार हुई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि महज गो हत्या गोकशी कानून को पास करने के लिए जेडीएस का भी चेहरा खुलकर सामने आया। एक बार फिर जो है भाजपा की तरफ झुकाव भी नजर आया। और वैसे भी भाजपा जब से इख्तदार पजीर हुई है, भले ही मरकज में हो या रियासत में, मनमानी फैसलों के आखिर क्या हासिल हो रहा है, ऐसा आवाम का कहना है। भाजपा हुकूमत किस कदर हुकुमशाही की नहज पर सत्ता का खेल खेल रही है, इससे इसकी मिसाल भी इसे कही जा सकती है। तमाम फैसलों पर नजर सानी करे तो जरूर मालूम होगा कि देश में हुकुमशाही की जड़ों को कैसे मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। इस तमाशे को ना सिर्फ रियासत बल्कि मुल्क और विदेशों में भी देखा गया। इसकी मजम्मत होना जरूरी है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस बहस करने के बजाय तमाम को ही जिम्मेदार ठहराया जाए और इन पर कार्रवाई की जाए मुख्तलिफ तरीकों से। रोजाना जमहूरियत लोकतंत्र आईने हिंद को पामाल किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस अब सिर्फ जमहूरियत खत्म होना बाकी है। आखिर क्या था मामला जिस पर इतना हंगामा बरपा हुआ। हासिल इत्तला के मुताबिक चंद बिलों को मंजूर करने पर, खास तौर से गो हत्या की गोकशी कानून को पास करने के लिए और रियासती काउंसिल के मौजूदा चेयरमैन के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद पेश करने हुक्मरान बीजेपी ने रियासती गवर्नर पर दबाव डालकर खुसूसी इजलास तलब किया गया था। इजलास शुरू होने की बेल भी बजने लगी, लेकिन भाजपा ने जानबूझकर अपनी मनमानी करते हुए चेयरमैन की जगह पर नायब चेयरमैन को बिठाया। काउंसिल चेयरमैन प्रताप चंद्र शेट्टी अपने दफ्तर में मौजूद थे, पर इनकी जगह पर भाजपा और जेडीएस की मिलीभगत से अचानक धर्मेगौड़ा चेयरमैन की सीट पर बैठ गए, जिस पर कांग्रेस अराकीन ने एतराज किया। दरअसल चेयरमैन अपने दफ्तर में आने के इंतजार में ही थे, पर भाजपा वालों ने ऐवान का दरवाजा भी बंद कर दिया। चेयरमैन की जगह पर जेडीएस के धर्मेगौड़ा का बैठना कांग्रेस को नागवार गुजरा। कुर्सी से उठ जाने की इल्तजा दरखास्त भी की गई। इतने में कांग्रेस और भाजपा के अराकीन चेयरमैन की कुर्सी के पास पहुंचे और पोडियम पर चढ़ गए। पूरे ऐवान में शोरगुल शुरू हुआ। गली मोहल्ले की तरह अवाम के रहनुमा झगड़ने लगे, गाली गलौज तक शुरू हुआ। इसी दौरान डिप्टी चेयरमैन को कुर्सी से नीचे खींचा गया और जमीन पर गिरा दिया गया। इसी शोरगुल के दरमियान भाजपा अराकीन ने चेयरमैन के पोडियम से चंद दस्तावेजात उठाकर फाड़ डाले। पोडियम पर महफूज के लिए रखा ग्लास भी उठाकर फेंक दिया गया। इस दौरान कांग्रेस और भाजपा के अराकीन के दरमियान ना सिर्फ लफ्जी झड़प हुई, बल्कि कांग्रेस के राजशेखर पाटिल को चेयरमैन की कुर्सी पर तक बिठाया गया, जिस पर भाजपा अराकीन और चीखने चिल्लाने लगे। इस वक्त ऐवान के दरवाजे अंदर से बंद कर दिए गए थे। जेडीएस का खामोश तमाशाही बनना भी बहुत कुछ बयान करता दिखाई दे रहा था। चंद कांग्रेस अराकीन, जिनमें नासिर अहमद भी शामिल है, ऐवान से बाहर ही रह गए थे। इन तमाम को जबरदस्ती घुसकर ऐवान में आना पड़ा। चेयरमैन के अंदर आने का दरवाजा भी बंद कर दिया गया था, लिहाजा इसे जबरदस्ती खोल दिया गया। तकरीबन आधे घंटे से भी ज्यादा वक्त ये शोरगुल हाथापाई के बाद चेयरमैन प्रताप चंद्र शेट्टी ऐवान में दाखिल हुए, पर कुर्सी पर बैठने की बजाय खड़े होकर ही ऐवान को मुलतवी करने का फैसला सुनाया। जेडीएस एक बार फिर भाजपा की गोद में बैठने की तस्वीर अब साफ होती दिखाई दे रही है। इस शर्मसार करने वाली वारदात पर भाजपा जेडीएस कांग्रेस पर इल्जाम लगा रहे तो कांग्रेस का ही सिद्धरामैया ने जमहूरियत आईने हिंद को पैरों तले रौंदने वाला दिन बताया गया। वाज रहे कि तमाम तर तमाशा महज गो हत्या कानून को पास करने के लिए किया गया था। इससे पहले सेशन के दरमियान चेयरमैन प्रताप चंद्र शेट्टी ने गोकशी कानून को मंजूर करने के बजाय
इसे मुलतवी किया गया था। लिहाजा भाजपा कानून साज काउंसिल में अक्सरियत नहीं होने की वजह से जेडीएस को साथ में लेकर किसी हाल में गोहत्या कानून को मंजूर करने के लिए तमाम हथकंडे इस्तेमाल करने की बात कही जा रही। भले कांग्रेस ने एहतजाज किया या फिर कानून को मंजूरी को लेकर सख्त एतराजात का मुजहरा किया होगा, लेकिन तमाम सियासी पार्टियों के चेहरे धीरे धीरे साफ होते नजर आ रहे। वैसे भी इससे पहले भाजपा के लिए दरवाजे खोलने में जेडीएस का किरदार भी अहम रहा। एक बार फिर भाजपा की तरफ झुकाव ने सेक्युलर की आड़ में फिरका परस्ती के चेहरे साफ होते दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह एक और खबर हासिल हो रही है कि जो सीएम इब्राहिम अब जेडीएस की तरफ लौटेंगे और जेडीएस एमआईएम के गठबंधन में इसके आगे चुनाव लड़े जाएंगे, ऐसा भी खबर हासिल है। खैर अभी इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है, पर यह चेहरे जिस तरह से सामने नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस, जेडीएस, सपा, बसपा और भी दीगर पार्टियां जितने भी सेक्युलरिज्म के आड़ में फिरका परस्ती का एजेंडा चला रहे हैं, क्या ऐसा सवाल भी खड़ा होना लाजमी हो जाता है? आखिर इस मुल्क के सेक्युलरिज्म की हिफाजत किस पार्टी के जिम्मे है? यही समझना अब बहुत मुश्किल हुआ है। इतना तो सच है। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।